ग्यारसपुर वन परिक्षेत्र में सागौन के वृक्षों की अंधाधुंध कटाई जारी है, वहीं जिम्मेदारों की मूक सहमति भी बनी हुई है। इसका ही नतीजा है कि जंगलों में बिना रोक टोक सागौन के वृक्षों की लगातार कटाई की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। खबर की हम शुरुआत करें उससे पहले ये फोन रिकॉर्डिंग सुने और एक बात भी समझें, जब हम किसी को फोन करते हैं वह फोन उसी का होता है, नंबर उसी का होता है, उसके बाद में भी वह अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करने लगे तो फिर इसे दाल में काला ही कहें या ना कहें, आप ही समझिए। हमने फोन किया डीएफओ साहब को, वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ पर सागौन के वृक्ष की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, उस संदर्भ में उनसे यह जानने की कोशिश की जा रही थी क्यों जिम्मेदार आखिरकार चुप हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिलीभगत का ही यह सिलसिला है कि हजारों महंगे पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है? तो डीएफओ साहब ने फोन पर खुद की पहचान ही छुपा ली। उनसे पूछा गया कि गुप्ता जी बोल रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं यह गुप्ता जी का नंबर नहीं है। हेलो, गुप्ता जी बोल रहे हैं? हेलो, गुप्ता जी बोल रहे हैं? ये हैं डीएफओ साहब, ग्यारसपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोडीपुर सर्किल के, जहां जंगलों में अवैध रूप से सागौन के वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। मेन रोड बेगमगंज की तरफ से जो सड़क गई है, उस सड़क के दोनों ओर जंगल में बिना वे रोक टोक नाकेदार की शायद सहमति से ही यह सारा काम हो रहा है और जिम्मेदार बड़े आला अधिकारी भी कहीं ना कहीं इसे जानकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं का कहना है कि नहीं, वह एसपी गुप्ता जो डीएफओ है वह नहीं है। हेलो, गुप्ता जी बोल रहे हैं? एक तरफ सरकार वनों को लगाने की कोशिश कर रही है और शासन की लाखों रुपए की राशि यहां खपाई जा रही है, वहीं अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर सवालिया निशान उठने ही बंद हो जाते हैं। जिनके पास वन कटाई रोकने की जिम्मेदारी है वह ऐसे कतरा रहे हैं जैसे वह खुद ही उसमें अपना सागिर्द बने बैठे हों। क्या नाम भैया आपका? कौन से गांव से हो? अच्छा, यहाँ पर ये जंगलों में सागौन काटा जा रहा है अभी, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों काटा जा रहा है, किसके द्वारा काटा जा रहा है? सब नाकेदार की गलती। नाकेदार की गलती, तो ये जो नाकेदार की गलती से काटा जा रहा है वो कहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं जो सागौन? सर जी, गाँव वालों मतलब ईंट बनती उनके लाना बेचते हैं। अच्छा, और कटवाते और बेचते हैं, पैसे लेते हैं। हमने सुना है कि बेगमगंज भी जा रहा है बहुत सागौन। बेगमगंज भी जा रहे हैं ना? अच्छा, सब नाकेदार के द्वारा ही जा रहा है? नाकेदार इधर 10-10 दिन, एक एक महीना नहीं आता। एक महीना नहीं आता? हाँ, का नाकेदार है कौन? महेश विश्वकर्मा। अच्छा, उनकी गलती से पूरा सागौन काटा जा रहा है। मामला वॉइस ऑफ राइट्स के पास आया है। संवाददाता धर्मेंद्र प्रजापति ने अपनी एक स्टोरी में यह खुलासा किया है कि यहाँ अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिम्मेदार अपनी पहचान ही छुपाते हुए नजर आ रहे हैं और इस सब पर वह साफ तौर पर झलकते भी नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वह जिम्मेदारी से अपना मुंह चुरा रहे हैं और काले कारनामे पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं।